आगे एक पुल था जिसके नीचे नदी थी। जब वो आदमी पुल क्रॉस कर रहा था तो अचानक उसको लगा कि गाड़ी चलाने में कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसको अंदाजा हो गया था कि गाड़ी का कोई ना कोई टायर तो पंक्चर हुआ है। उसने उसी वक्त गाड़ी साइड पे लगाई, उतर के देखा कि लेफ्ट साइड का पीछे वाला टायर पंक्चर हो गया। अब वो बंदा थोड़ा परेशान कि इतनी तेज धूप में मुझे टायर बदलना पड़ेगा, खैर जो भी कर लो टायर तो चेंज करना ही पड़ेगा। उसने गाड़ी में से जैक निकाला, जैक को फिट किया, उसके बाद टायर के बोल्ट्स खोले और उनको एक साथ साइड में रख दिया। अब वो टायर को निकालने लगा, उसने जोर लगाया, छटके से पीछे खींचा, इसी दौरान उसका पाउन बोल्ट्स पे लगा और चारों बोल्ट नदी में गिर गए। अब वो बंदा भयंकर वाला परेशान, टेंशन में, स्ट्रेस में, अब क्या होगा, अब मैं टायर नहीं चेंज कर पाऊंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मुझे जहां पहुंचना है कैसे पहुंचूंगा, कितना लेट हो गया हूं, इतनी गर्मी में कोई दूर दूर तक नहीं है, मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकता, शिट यार ये कहां फंस गया, क्या हो गया। अब वो निराश होकर खड़ा, उसकी सोच काम नहीं कर रही, क्योंकि जब भी वो सोचने बैठता उसको एक ही बात बार बार याद आती है कि सारे बोल्ट नीचे गिर चुके हैं और वो आगे नहीं जा सकता। अब ये बंदा परेशानी में साइड में खड़ा, काफी देर निकल चुकी है। अब सामने से उसको नजर आता है एक किसान आ रहा है। ये सोच रहा होता है इससे मदद मांगू ना मांगू, ये क्या मदद कर पाएगा मेरी। अभी ये सोच ही रहा होता है कि किसान खुद ही आकर पूछ लेता है, साहब कोई परेशानी है तो बताइए, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। वो आदमी जो कि पहले से ही परेशान है, गुस्से में बोलता है, मेरा टायर पंक्चर हो गया, स्टेप नहीं लगाने लगा, बोल्ट नदी में गिर गए, आसपास कोई मैकेनिक नहीं है, तू भी क्या मेरी मदद करेगा। वो किसान समझ गया कि गर्मी और परेशानी की वजह से ये बंदा गुस्से में है। किसान मुस्कुराता है और कहता है कि साहब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक मैकेनिक है जिसके पास आपको गाड़ी का सामान मिल जाएगा, और वहां जाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी गाड़ी के बाकी के तीनों टायर का एक एक बोल्ट निकाल कर इस टायर में लगा लो और फिर धीरे धीरे गाड़ी चलाकर वहां तक चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। वो आदमी हैरान रह गया, उसका गुस्सा एकदम शांत हो गया, कहता भाई साहब जिस प्रॉब्लम से मैं आधे घंटे से जूझ रहा था इसने कितनी आसानी से उसका सलूशन दे दिया। उसने किसान को बोला, सॉरी यार मैं गुस्से में था, लेकिन तुझे इतनी जल्दी सलूशन कैसे मिल गया, पहले भी ये प्रॉब्लम हुई थी क्या कभी तेरे साथ। किसान मुस्कुराया और कहता ऐसा कुछ नहीं है, एक ही फर्क है कि आप उस परिस्थिति में अपनी परेशानी के बारे में सोच रहे थे, मैं उसी परिस्थिति में हल के बारे में।